367 एकड़ सरप्लस भूमि को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे सोमा खेड़ा व सहारनवास गांव के ग्रामीणों को आज फिर उस वक्त निराशा हाथ लगी जब 11 गांव की पंचायत बुलाने के बावजूद अधिकांश पंचायत प्रतिनिधि नदारद रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरे सिंह। कौन सी ग्राम पंचायत से? खड़गवास। आज यहाँ एक जमीन की विवाद को लेकर के पंचायत बुलाई गई थी, क्या रहा उसमें? वो एक मैं कह रहे हो जी, मतलब 10-15 आदमी मतलब ऐसा बेहिसाब कहा गया जो कि मतलब गलत बोलने लाग गया और ये पंचायत मतलब पूरी नहीं है। क्या कुछ वजह रही आज इतने सारे 21 गांव की बता रहे हैं कि पंचायत बुलाई गई थी, क्या वजह रही कि ये मामला जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया? ये 11 गांव की पंचायत थी, सर प्लस भूमि का बारह में थी जो कि मतलब उनको अब इसमें परिवार ने कब्जे कर रखे थे उसका बारह में। अब यहाँ आज पंचायत नहीं हो सकी, आगे के लिए क्या कुछ तैयारी की है आप लोगों? आगे की रणनीति जी जारी रहेगी, जोनावास में और अक्टूबर के लास्ट में जोनावास गांव के माये पंचायत। तो आज की जो विफलता रही पंचायत नहीं हो सकी, तो इसके लिए क्या बड़ी वजह मानते हैं आप? ये कुछ लोग मतलब बाहर का आके और मतलब पूरे गदर मचा दियो, वन ने खुद ही धनी ने भेजी हो भैया सही आदमी। एक रूपता नहीं बैठ पाई कुल मिलाकर पंचायत में? पंचायत की तो एक मतलब एकता थी जी, लेकिन जो बाहर का कुछ आदमी आके वन ने गड़बड़ करी। पंचायत में पहुंचे लोगों का कहना है कि सरप्लस जमीन को लेकर वे लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए उन्होंने इस पंचायत को बुलाया था ताकि सभी की सहमति के बाद आगे की रणनीति तैयार की जा सके। क्या नाम है आप? रामानंद। कौन से गांव से? सहारनवास से। आज यहां एक जमीनी विवाद को लेकर पंचायत बताई गई थी, क्या कुछ रहा पंचायत? पंचायत नष्ट रही थी और बाहर से कुछ गुंडे जो कि कप्तान के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, अजय कप्तान जिंदाबाद, और अजय कप्तान ने अपने ग्रुप के शरारती तत्व यहाँ भेजे थे जिससे हमारी सारी पंचायत जो है टिटर बिटर होगी, भंग हो गई, जो कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि कप्तान ये चाहता है कि कोई आदमी मेरे खिलाफ बोल ना सके, इसलिए उसने अपने गुंडे बुलाए और यहाँ ताल ठोक कर कह रहे थे अजय कप्तान जिंदाबाद, अजय कप्तान जिंदाबाद। यानी पंचायत की आवाज़ को किसी तरह दबाने की कोशिश की गई है? पूरी तरह से दबाने की कोशिश की थी, कुछ गाँव के शरारती तत्व, कुछ बाहर से जो कि वो अपना आप में भी कह रहे थे हम स्वराज माजरा से आए हैं, अजय कप्तान जिंदाबाद, जबकि हमने उनको कोई नोटा नहीं दिया, हमारे आसपास की जो है गांवों की पंचायत थी उन्हीं को बुलाया था हमने। आगे की क्या रणनीति तय की आप लोगों? आगे की रणनीति यह है अक्टूबर लास्ट में जो है जोनावास में फिर हमारी ये पंचायत होगी और बड़े जोर शोर से हाई लेवल से हम करेंगे। उनका आरोप है कि पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव के समर्थकों ने हुड़दंग मचा दिया जिसके कारण पंचायत सफल नहीं हो सकी। क्या नाम है आप? मेरा नाम दीपक यादव है जी। आपकी भी जमीन सरप्लस में बताई जा रही है, आज पंचायत की थी उसी को लेकर के क्या रहा? सर ऐसा है, ये पंचायत तो सफल थी और बहुत से गांव के लोग भी आए थे, सरपंच भी आए थे, पर कुछ बाहर से असामाजिक तत्व आकर हमारी पंचायत को ख़राब किया उन्होंने, और मतलब अशब्द बातें भी कही हैं उन्होंने पंचायत में, तो हमारा यही मोटो था कि हमें इन लोगों के प्रति जागरूक करना उन्हें, और 367 एकड़ जो कि सरप्लस भूमि थी जिस पर कैप्टन अजय यादव और उसके परिवार का जो अवैध कब्जा है उसको हटवाने के लिए लोगों को समर्थन लेने के लिए भाईचारे की एक हमने पंचायत की थी, और प्रशासन ने भी हमारी पूरी तरह से इसमें हेल्प की है, पर थोड़ी सी कुछ जगह पर प्रशासन अपनी नाकामी दिखा रहा है इसमें, क्योंकि अगर वो बंदे इस जगह पर इस तरीके से वे विवाद कर रहे थे तो प्रशासन चाहता तो उन लोगों को वहाँ से हटा सकता था, पर प्रशासन ने इतनी ज़्यादा हमारी हेल्प नहीं करी इस मैटर में। 11 गांव की पंचायत बताई गई है, कितने पंचायत प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए? करीब 8-7 गाँव के प्रतिनिधि हमारे पास आए थे, और कुछ में कुछ के दिक्कत हो गई थी, उन्होंने फ़ोन पे बता दिया कि भाई उनके परिवार में कोई एक्सपायर हो गया था, जैसे बूटपुर गांव में सरपंच के परिवार से कोई एक्सपायर हो गया था, और हमारे पास कांग्रेस के ना ये अपने इनेलो के भी प्रतिनिधि आए थे, डॉक्टर राजपाल के प्रतिनिधि आए थे और विजय सोमानी जी के प्रतिनिधि आए थे, बीजेपी से के नाम हमारे जी मुकेश कापड़ीवास के भी प्रतिनिधि आए थे, पर वो जो भी विवाद हुआ था वो चले गए। वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव ने कहा कि अगर ग्रामीणों के साथ कुछ गलत हुआ है तो वे इसके खिलाफ कोर्ट जाएं ताकि उन्हें न्याय मिले।
कप्तान साहब, आज पंचायत बुलाई गई थी 11 गांव की, एक सरप्लस जमीन को लेकर विवाद बताया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? आपके ऊपर आरोप है, आप थे क्या वहाँ? हमने देखा वहाँ कुछ चुनिंदा लोग वहाँ मौजूद थे। जब 21 गांव की पंचायत, 21 साल में तो होने चाहिए, एक ही गांव के को था वहाँ। ये सब जो है ड्रामा है, और ये काम सरकार का अलग करना। सरकार ने हमारे समय में भी, जो हमारी सरकार ने SDM के नीचे जो है कमेटी बनती है, वो कमेटी सरप्लस कमेटी सरकार बनाए और अलॉट करे। ये काम सरकार का, मेरे काम थोड़ी ना। ग्रामीणों ने कुछ पंचायत में आरोप लगाया कि आपके द्वारा कुछ है, सामाजिक तत्व वहाँ गए थे, वहाँ कितने आदमी थे वहाँ? आप बताओ ना कितने आदमी थे? आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो, वहाँ पर 5 तो आदमी थे उनके, और बाकी जो है जो आए हुए थे, जो 21 गांव, मैं इतना ताकतवर हो गया मैं पंचायत हो सकता हूँ क्या? सर, कुछ युवा लड़के आए, उन्होंने आपके नाम के नारे लगाए और उन्होंने कहा, उसको मैं रोक सकता हूँ क्या? कोई नारे लगा रहा है वहाँ, अगर कोई वहाँ चले जाएंगे लोग, उसको रोक सकते हैं क्या? इसलिए ये काम मेरा नहीं है, काम हरियाणा सरकार का है। इन्होंने CM विंडो में लगा दी, CM विंडो ने उनको जवाब दे दिया, ठीक है। अब ये CM विंडो में लगाएंगे, कोर्ट में जाएं, कब्जा लें अपना, कौन रोक रहा है कब्जा लेने के लिए? भाई वो ये जमीन वही ले सकते हैं जहाँ से रास्ता हो। ये हरियाणा सरकार, मेरा काम नहीं है।